वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शोल्डर का वर्कआउट, और देखिए इसको किस तरीके से करना। तो सबसे पहले मैं वार्म अप सेट कर रहा हूँ, जिसमें मैं 15 से 20 रैप करूँगा और इसमें हम मैक्सिमम जाएंगे और उसके बाद डाउन सेट लेंगे। तो ये चल रहा है हमारा वार्म अप सेट, और इसके बाद मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ 20 kg का एक रैप करना, आपको सिंपल सा स्लो नहीं चुकाना है। और उसके बाद मैं ले रहा हूँ 30 kg का 1 rep स्लो नीचे को, फिर उसके बाद मैं ले रहा हूँ 50 kg 1 rep। आपको अपने अकॉर्डिंग जाना मैक्सिमम, देखिए किस तरीके से। और उसके बाद मैं ले रहा हूँ 60 kg 1 rep, क्योंकि थोड़ा हार्ड हो रहा था उठाने में, तो मैंने कोशिश करी लेकिन उठा तो लिया था, लेकिन जो मैंने रैप लिया वो मेरे से हाफ रैप लगाया, ये मेरा मैक्सिमम था। ये देखिए हाफ रैप लगा, तो ये मेरा मैक्सिमम था। अब मैं जाऊंगा इस पर डाउन, इसमें डाउन सेट 40 kg पे, इस पर रैपिड से निकालूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग लें, और आपको उसके फेलियर रैप पे जाना है, जिसमें मैं इसके मैक्सिमम रैप निकालूंगा जितने मेरे से निकलते हैं, वैसे आपको धीरे धीरे करके डाउन जाना है। और उसके बाद मैं डाउन लेने वाला हूँ 30 kg, इसके भी मैं मैक्सिमम रैप निकालूंगा। तो दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो शोल्डर की आपको कैसे लगी है कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे जो भी नया हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस इतना प्यार देने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।